अकेडमी जाते थे वो ऐसे ही खाली मैदान में ही खेल रहे हो खाली मैदान में अरे वो चप्पलें डाल ली है कोई मतलब शूज भी नहीं कोई स्टेट का मैच नहीं कोई प्रोफेशनल नहीं, मैच नहीं, मैच, नहीं। मैच कोई नहीं खेला था तो मतलब, मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड के पास मतलब फ़ोन था बाहर वो बाहर बैठे होते थे उनको पकड़ाया होता था तो उसने एक बार उठा दिया तो उन्होंने बोला कि हेलो अविनाश तो, तो आप मेरे को प्लीज अपना आधार कार्ड भेजिए मैं आपका मुंबई टीम के लिए मतलब उसमें कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरे को पहले लगा कोई फ्रॉड मैसेज तो नहीं है फिर मैंने सोचा यार चल यार क्या आधार कार्ड से क्या ही कर लेगा अकाउंट डिटेल क्या ही करेगा तीस चालीस रुपए होंगे क्या ही कर लेगा उसका तो, टेडी हो एल्बो मतलब टेडी जुड़ गई है

आज हम मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर जो कि जम्मू से है और उन्होंने अभी तक कोई भी क्रिकेट नहीं खेली थी आईपीएल में सेलेक्ट होने से पहले तक रिमेंबर दिस मोमेंट मंजो वेलकम टू द शो अविनाश भाई कैसे हो आप बढ़िया भाई आप बताओ आप कैसे मैं बहुत बढ़िया थैंक यू यार आने के लिए आप सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे पर मैंने तंग कर लिया आपको नहीं, भाई, क्या तंग वाली कोई बात नहीं ठीक है थैंक यू भाई भाई मैंने आपके बारे में बहुत बहनों से सुना लास्ट जब आप आर में थे और आपकी जर्नी एक काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे उसमें और मतलब एक पहले आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे और उसी से ही आपका सिलेक्शन सीधा आर में हुआ मैं चाहता हूँ यार आप खुद बताओ अपनी जर्नी के बारे में मैं जम्मू जम्मू कश्मीर से हूँ जम्मू मेन जम्मू से हूँ मैं तो मेन जर्नी मेरी जम्मू से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली जब मैं छोटा था तो बचपन से ही क्या था कि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा ये था क्रिकेट में ही था क्योंकि सब मेरे बड़े भाई वगैरह जो है तो वो सब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे घर के बाहर ही एक मेरे बुआ जी का घर है उनके घर के बाहर ही एक ग्राउंड है खाली ग्राउंड है तो वहाँ पर सब खेलते थे तो जैसे ही मैंने स्कूल से आना बस बैग छोड़ना तो बस बाहर उनके साथ खेलते रहना तो वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ उनको देख देख के थोड़ा और इंटरेस्ट आया अंदर कि नहीं भाई मेरे को भी खेलना है बस बट ये नहीं था कि प्रोफेशनली खेलना है ये था कि हाँ भाई मैं एंजॉय कर रहा था उस टाइम अकेडमी जाते थे वो ऐसे ही खाने मैदान में ही खेल रहे हो खाली मैदान में, में अरे वो चप्पलें डाल ली है कोई मतलब शूज़ भी नहीं आया और चप्पल डाल के खेल रहे हैं मिट्टी में पूरे कपड़े गंदे किए हैं अंदर गया तो रोज रात को पहले गालियाँ मम्मी बोलती जा पहले बाथरूम जा नहा फिर आप खाना खा तो मतलब दोपहर को स्टार्ट होता था तीन छुट्टी होती थी दो ढाई बजे स्कूल से आते ही बस बैग छोड़ना जल्दी कपड़े चेंज करना बाहर भैया और कैसा खेलना तो शाम को सात साढ़े सात बजे बस ख़त्म होना हमारा मैच तो बैठ के पहले सबने गप्पे लगानी तो उसके बाद फिर अंदर जाते तो अंदर जाके रोज़ डांट तो मतलब ऐसा था स्टार्ट मेरा ऐसा ही हुआ भाइयों को देख के अपने बड़ा ही मैच था अब मैं क्या था <laughs> पढ़ाई में अच्छे थे आप हाँ बहुत अच्छा था एकदम टॉपर <laughs> नीचे से <laughs> पढ़ाई का तो चलो आप समझ गया तभी हाँ। आपने प्रेफर करा कि खेल ही लेते मतलब उस टाइम कुछ ऐसा इन... भी नहीं था कि प्रोफेशनली खेलना बट ठीक हाँ। है हाँ इन्जॉय कर रहा था मतलब चल रही थी लाइफ चल रही थी लाइफ बस हाँ ये है कि चल रही थी बस तो फिर क्या कॉस्को से ही बॉलिंग करते थे मेन पसंद ही बॉलिंग थी हाँ बॉलिंग ज़्यादा पसंद थी टेनिस से तो मतलब सब सभी ऑलराउंडर होते हैं वहाँ पे हम खेलते हैं तो बट ज़्यादा बॉलिंग पसंद थी थोड़ा करना बैटिंग तो ऑब्वियसली मिल ही जाती है टेनिस में तो सबको बैटिंग मिल जाती है ऐसा कुछ नहीं बट बॉलिंग थोड़ा मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस रहती थी, थी कि मैं बॉल डालूँ बैट्समैन कोई भी आ जाए बस मेरे को बॉल डालनी है तो फिर ये आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ी है एकदम से वहाँ पर मैच वैसे आपको स्काउट किसने किया स्काउट जैसे हमारे एक मालो सर हैं और आर सी बी के स्काउटिंग हेड जम्मू के ही है वो नहीं 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 वो तमिलनाडु से है वो चेन्नई से हैं तो उन्होंने क्या वो आर सी बी का एक स्काउटिंग कैंप लगता है फर्स्ट टाइम ही लगा था जम्मू में आ, मतलब इससे पहले कभी कोई कैंप नहीं लगा था क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट तो मतलब हमारे जम्मू से उमरान को ही जाता है उमरान भाई को उन, उनकी वजह से ही हमारे जम्मू में वो कैंप लगा है तो क्योंकि फास्ट बॉलर काफ़ी हैं हमारे जम्मू में आप देखोगे अच्छा टैलेंट है जम्मू में भी तो जब वहाँ पे कैंप लगा फर्स्ट टाइम उससे मैंने कोई पाँच से छः महीने पहले लेदर बॉल से बॉल डालना स्टार्ट किया था अच्छा क्योंकि वहाँ पे एक मयंग गोस्वामी करके एकेडमी है तो मैं बस अपने फ्रेंड के साथ जाता था तो बस वहाँ पे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आते थे सारे तो शुभम भाई सब जितने भी रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर्स हैं तो बस उनको बॉल डालता था तो बस ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई छः महीने मैंने वहाँ बॉल डाली तो जैसे ही वहाँ कैंप लगा तो वहाँ मैंने वन मतलब क्लॉक की थी पॉकेट डार में तो उसके बाद से मेरे को भी लगा कि हाँ भाई मैं भी तेज डालता हूँ तो कुछ हो सकता है मतलब ये कि नेट बॉलर बन जाऊँ कुछ ऐसा था कि ये नहीं सोचा था कि भाई सीधा टीम में ही आ जाऊँगा कभी ऐसा नहीं था कि पर जिन बैट्समैन वगैरह वो आप बॉल डालते थे उस टाइम पे तो जब वो खेलते थे जब वन आप हिट कर रहे हो तो वो आके कुछ बताते नहीं, नहीं थे आप बोल रहे थे हाँ वो तो बोलते थे वो बोलते भाई तू इतना तेज है तूने कभी स्टेट टीम के एक बार ट्रायल तो देने थे तो मैंने लगा भैया मुझे पता ही नहीं है ट्रायल्स वगैरह होते कब है ये तो उन्होंने कहा था कि जब भी होंगे नेक्स्ट टाइम हम तेरे को बताएंगे एक बार तो ट्रायल्स में जरूर आना मतलब आपने क्रिकेट हमेशा से ऐसी खेली कि मतलब सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली खेलनी है नहीं नहीं वो दिमाग में कभी था ही नहीं कि प्रोफेशनली खेलूंगा बस ये था कि टेनिस क्रिकेट आओ एंजॉय कर रहा था बस अपना और जब मतलब नॉर्मली जैसे लोग खेलते हैं मोहल्ले में हाँ, बस बस में अपने मोहल्ले की टीम होती थी बस हमने सबने बस खेलने जाना हर संडे मेन होता था हमारा क्योंकि संडे को हम पूरे दिन सुबह जाते थे छह बजे हमारे वहाँ पे एक ग्राउंड है तो पास ही पार्क है वहाँ पे तो हम सुबह छः बजे वहाँ जाते थे और रात को सीधा कर घुसे कुछ खाना नहीं मतलब बस स्टिंग और केले ये हमारी अच्छा। डाइट होती थी स्टिंग वाले, हाँ, बस स्टिंग वाले थे <laughs> आप ही एनर्जी से बॉट डालते थे वही एनर्जी थी उस टाइम <laughs> क्योंकि कुछ था नहीं आस पास खाने को बस वो फ्रूट की वहाँ दुकान थी वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा केले ले लिए और स्टिंग वाली वो तो सामने करियाना की दुकान थी बस वहाँ से ले गए खाओ ठीक है फिर आप एकदम से उनकी नज़रों में कैसे आए वो उसी स्काउटिंग टीम के कैंप से उससे पहले तो मतलब यही था कि अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो बट वहाँ पे भी किसी ने भेजा होगा आपको हाँ मयंक से, से जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना मयंक गोस्वामी वहीं पे टीम आ, हमारा वो कैंप लगाया था आरसीबी सी अच्छा। स्काउटिंग टीम का तो वहीं से मतलब मेरा एक ओवर डालना था वहाँ पे तो मतलब देखा जाए तो मैंने वहाँ एक ओवर अच्छा भी नहीं डाला था दो तो उसमें बीमर थी तो चार बॉले अच्छी थी यॉर्कर दो यॉर्कर थी और दो लेंथ बॉल तो मेरे को तो लगा था यार हाँ बस तेज थी तो मेरे को लगा यार ये तो ऐसे ही हो गया टाइम पास हो गया मतलब देना तो था ही ट्रायल जो मर्जी था तो मैं वहीं से सीधा टेनिस बॉल मेरा मैच था मैं जैसे छः बॉल डाली कुछ नहीं देखा बस अपने दोस्त मेरा बाहर खड़ा था वेट कर रहा था उसके साथ टेनिस बॉल खेलने चला गया उसके बाद टूर्नामेंट थी वहाँ पर चला गया खेलने अच्छा फिर आगे जाके आपको जो मैचेस अभी तक आप कोई स्टेट का मैच नहीं कोई प्रोफेशनल मैच नहीं मैं कोई नहीं खेला था मैं सीधा मैच आप जब वहाँ पे गए से भी वहाँ पे मैचेज वगैरह भी नहीं सिर्फ ट्रायल्स हुए थे हाँ हाँ पहला स्काउटिंग टीम का जो वो तो सिर्फ मतलब विकेट बैट्समैन कोई नहीं था हमें बस सिंगल विकेट बॉल डाल अच्छा, सिंगल विकेट बॉल डालने हाँ, वहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मेरे को ना तो मैं एक दिन टेनिस क्रिकेट ही खेल रहा था तो मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड के पास मतलब फ़ोन था बाहर वो बाहर बैठे होते थे उनको पकड़ाया होता था मैं तो बीच में खेल रहा था तो कॉल आ रहा था दो तीन वो मतलब बोलता कॉल आ रहा है कॉल आ रहा है मैंने बोला चलाने दे मैं बाद में उठाता हूँ तो उसने एक बार उठा दिया तो उन्होंने बोला कि हेलो अविनाश तो बोलते कि हाँ वो सर खेल रहा है तो वो आपको करता है थोड़ी देर में उसने काट दिया तो हम रात को घर गए हूँ मैं साढ़े सात आठ बजे की बात है मैं रूम में बैठा हूँ खाना खाना खा लिया उस टाइम तो बस मैंने व्हाट्सएप खोला अपना तो वहाँ पर मैसेज आया मुझे कि मैं आर की मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ तो आप मेरे को प्लीज़ अपना आधार कार्ड भेजिए मैं आपका मुंबई टीम के लिए मतलब उसमें कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है मुंबई कैंप के लिए हाँ मुंबई क्योंकि मुंबई में मेन टीम कैंप लगा था पहले अच्छा सिलेक्शन मतलब वहाँ पे तो स्काउटिंग टीम वाला तो वो ऐसे ही था वहाँ से पिक करके मेन कैंप जो था मुंबई में था जो टीम के साथ था उस दिन रजत पड़ीदार भाई आए थे अनुज रावत था और महिपाल भाई थे लवनीत सिसोडिया ये सब जो पुराने प्लेयर रह चुके थे तो उनके साथ कैम था तो, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए थे तो मैं एज अ बॉलर बुलाया था हाँ बस वो उधर देखने के लिए अब मुझे उस टाइम पता नहीं था मुझे लगा पहली बार मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो मेरे भी खुश था उस टाइम मैसेज देके मैंने उनको आधार कार्ड सेंड किया मैंने तो यही सोचा कि यार मेरे को पहले लगा कोई फ्रॉड मैसेज तो नहीं है अच्छा। तो फिर मैंने सोचा यार चल यार क्या आधार कार्ड से क्या ही कर लेगा अकाउंट डिटेल क्या ही करेगा तीस चालीस रुपए होंगे क्या ही कर लेगा उसका तो उस टाइम यही होता था कैश होता था हम टेनिस बॉल खेलते थे जो पैसे मिलते थे सीधा कैश में मिलते अकाउंट में कौन ही डाता था तो मैंने कर दिया तो नेक्स्ट डे मेरे को टिकट आ गई तो फिर मैं समझा यार ये तो सही तब है जाके थोड़ा उसमें नहीं नहीं हाँ उससे पहले तो मैं ऐसे ही ले रहा था मिला यार पता नहीं कोई अपना दोस्त व्यस्त तो नहीं ऐसा मज़ाक मस्ती कर रहे हैं या कुछ ऐसे फ्रॉड मैसेजेस हैं तो फिर मैंने जैसे ही टिकट आई मैंने अपने सबसे पहले महंग सर थे उनको कॉल किया सर ऐसी ऐसी बात है मेरे को टिकट आ गई वहाँ से तो फिर उन्होंने बोला चल अच्छी बात है ऑल द बेस्ट तू जा जैसा तू करता है वैसे ही करना वहाँ पे जैसे नेट्स में डालता है क्योंकि उससे पहले मैच तो कभी खेला ही नहीं था

पहली बार मतलब ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ हाँ प्रोफेशनल्स के साथ आ, मैच खेलने को मिल रहा है और वो भी पहली बार सीधा लेदर बॉल से प्रोफेशनल्स के साथ खेलने को मिल रहा है तो अंदर एक्साइटमेंट भी थी तो उस एक्साइटमेंट के साथ और अपना कॉन्फिडेंस भी था एक कि हाँ भाई ये भी तगड़े हैं तो मैं भी तगड़ा हूँ अपनी जगह तो बस उस दिन अच्छा ही गया सब क्या एरिया मतलब कहते हैं जब दिन ना होता है सभी अच्छा होता है तो उस दिन सब अच्छा हुआ तो भाई मेरे को ये बताओ जब आप यहाँ पे बॉल डाली आरसीबी की मेन बात हम करते आगे जब कॉस्को से की बॉल से सीधा आपने लेदर की बॉल पकड़ी कुछ फर्क लग रहा था आपको फर्क तो ये था कि मतलब फर्क था कि वो थोड़ा हैवी बॉल था कॉस्को का, का थोड़ा लाइट रहता है और जब मैंने पहली बार बॉल डाली थी बॉल तो एकदम तेज डाली किसी को खेलने नहीं देता नेट्स में और तो अगले दिन क्या हुआ दो तीन दिन तो मतलब पूरी बॉडी से मेरी दर्द ही नहीं गई है इतनी मतलब पेन मैंने लगा यार ये हो क्या गया क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपको लंबे रन टेनिस से आप चार पांच कदम से बॉल डाल देते हो तो उसमें थोड़ा लंबा रनअप से मैंने स्टार्ट किया जब बॉल डालना तो मतलब बॉडी उस हिसाब से मेरी रेडी नहीं थी उस टाइम तो मेरे को दो तीन दिन दर्द ही रही बॉडी में तो मतलब ऐसे ही जाता था मैं ऑन ऑफ जाने लगा अकेडमी क्योंकि एक दिन बॉल डाली दो दिन बॉल नहीं डलती थी क्योंकि उस हिसाब से हाँ नहीं नहीं मतलब पहले पहले दिन बॉल डाली दो दिन ब्रेक फिर गया और फिर मतलब मैंने छोड़ दिया मैंने बुलाया यार छोड़ हो नहीं रहा है मेरे से नहीं हो रहा और उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं जाना भी। हाँ उस टाइम और थोड़ी घर की सिचुएशन भी ऐसी थी मतलब तो जैसे कोरोना के बाद थोड़ा ऐसा हो गया था कि मेरे पापा तो ड्राइवर थे तो टूरिस्ट इतना रहा नहीं था तो मतलब खुद भी हाँ जम्मू में क्योंकि मेन वही होते हैं ना जब श्रीनगर टूरिस्ट आते हैं तो वो जैसे जम्मू भी आते हैं टूरिस्ट तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है उस टाइम सब तो मेरा ये था कि यार तेरह चौदह हज़ार के स्पाइक से तब तो मैं कैसे गरबल से इतने पैसे मांगूँ क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलना है ये सब आपके ज़रूरी तो है आपके स्पाइक्स मेन बॉलर के लिए स्पाइक्स ही है और कुछ हो नहीं हो स्पाइक्स होने चाहिए तो मेरे फिर मेरे पापा से हिम्मत नहीं मेरे पैसे मांगने की मैं चल छोड़ यार जैसा चल रहा है चल चलना टेनिस ही खेलूँगा अपना और आगे देखता हूँ आर्मी उस टाइम में आर्मी की भी मतलब ट्रेनिंग कर रहा था थोड़ा रनिंग वगैरह करता था तो आर्मी की भर्ती आ रही थी हमारे वहाँ तो मैंने वो तो उसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हाँ हाँ मेरे पापा का ये था कि मैं आर्मी में जाऊँ मेरे पापा कहते हैं हम तीन भाई हैं तो वो चाहते हैं कि एक ना एक आर्मी में हो तो मैंने सोचा यार पढ़ने में तो चल इतना कुछ है नहीं इंटरेस्ट आर्मी में ही चल जाते हैं तो जैसे मतलब मैं वहाँ पे आर्मी में मैंने रनिंग क्लियर कर दी तो मेरा मेडिकल अनफिट हो गया मेरे एक्चुअली लेफ्ट एल्बो टूटी थी तो मैं उसी में क्रिकेट खेलता था प्लास्टर लगे हुए क्रिकेट खेलता था तो टेनिस की बॉल हाँ हाँ लेफ्ट बस बैटिंग करता था बॉलिंग नहीं डालता था

भाई अभी तो ठीक हो जाऊंगा बॉलिंग डालूंगा तो बैटिंग कर करके बस ये एल्बो एल्बोटेडी होगी तो आर्मी से उधर से अनफिट हो गया और तो भाई ये जो टेनिस के मैचेस आपके उसमें पैसे आप खुद देते थे आप खुद लगाते थे <सवसँग> कुछ देते भी थे कुछ लगा भी लेते थे मतलब टेनिस में आपका नाम चलता पूरे जम्मू में कह सकते हो मतलब खेला ही जब आपने टेनिस बॉल से इतना आपको एक और कुछ है ही नहीं आपको पता है लेदर बॉल से तो मैं खेलता ही नहीं था तो हर एक जम्मू का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं नहीं खेला मतलब इतनी ग्राउंड्स हैं हमारे वहाँ तो हम हर एक ग्राउंड में पहुँचे होते थे जहाँ हम जितनी मर्जी दूर हो कभी पंजाब मतलब कठुआ चले जाना खेलने हैं कभी पंजाब में और मतलब सिर्फ टेनिस सिर्फ टेनिस और टेनिस बॉल भी क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और नहीं तो मतलब वहाँ ज़्यादा फेमस ही टेनिस बॉल टेनिस आप हर एक मतलब गली के बाहर जाओगे एक ग्राउंड है प्लॉट में खेल रहे हैं हर एक जगह वहाँ पर ऐसा कि टेनिस बॉल का बड़ा क्रेज है वहाँ पर थोड़ा तो भाई जब घर वालों को था कि आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस की आप क्रिकेट खेलोगे इतने आगे तक घर वालों की एक्सपेक्टेशंस तो चलो मेहनत कर रहा था उनको थी कि मेरे से कुछ बट क्या था मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे कि तू बस पढ़ और कुछ कर भाई मेरे पापा मेरे को आइल्स करा रहे थे तो मैं आइल्स भी कर रहा था साथ साथ में तो पल्ले तो कुछ पढ़ नहीं रहा था वहाँ पर अच्छे से मेरे बैंड्स अच्छे नहीं आ रहे थे बार बार तो मैं वही सोच रहा था कि यार अभी मैं क्रिकेट तो जा रहा हूँ फिर इधर भी हूँ तो मैं अगर यहाँ से तो मेरे को गारंटी थी कि मैं नहीं हो सकता मेरा पढ़ाई वाला अगर हाँ अगर क्रिकेट में नहीं हुआ तो मेरे तो मेरे पास लाइफ में कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में होता ना कि, किसी के पास बैकअप होता है हाँ हाँ। जैसे चल क्रिकेट है क्रिकेट के पीछे कुछ ना कुछ तो है ही उसके पास मेरे पास कुछ ही नहीं था मेरे पास क्रिकेट ही था और तो वही है मयंक सर ने मेरे घर पर बात की थी जो मेरे सर हैं उन्होंने बात की एक साल दो ये मेहनत करेगा तो इसका कुछ हो जाएगा मेरे को इसमें दिखता है वो एक हंगर है इसके अंदर तो बस एक साल जो मैंने मेहनत की है ना तो वो मैंने कहते हैं ना पूरा अपना हंड्रेड परसेंट दिया उसमें क्या क्या करते थे उसमें मतलब जिस दिन बारिश भी होती थी ना मेरे सर मेरे को उस दिन भी हम बारिश में भी बुला के वहाँ पे एक स्कूल था अकेडमी थी जहाँ उसके स्कूल था उसके अंदर पोर्च में हम टेनिस बॉल से सिर्फ यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी मतलब कुछ ना कुछ करते रहना बारिश में भी घर नहीं बैठना तो मेरी मम्मी भी बोलते थे कि बारिश हो रही है आज तो छुट्टी मार मतलब आज क्या तू ऐसे ही कहीं और जा रहा है घूमने जा रहा है तू मतलब प्रैक्टिस तो होगी नहीं मेरे नहीं मम्मी होती है तो मैं सर से बात कर रहा था फिर सर बोलते नहीं नहीं प्रैक्टिस है इसे भेज दो तो वैसा था रूटीन क्या होता था उस टाइम पे रूटीन ये है सुबह उठना सबसे पहले जिम जाना छः बजे जिम जाता था मैं वहाँ से आना फिर ग्यारह बजे मेरा कोई कॉलेज दस साढ़े दस ग्यारह बजे कॉलेज निकल जाता तो कॉलेज भी जाना वहाँ पे भी क्लास तो लगानी नहीं बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेलना वहाँ से चार बजे आ जाना घर पे तो पाँच मतलब मेरे घर से बीस पच्चीस मिनट दूर है मेरा कॉलेज तो घर पर आना बस बैग उठाना और मम्मी ने खाना भी बना के रखना मैंने खाना भी नहीं खाना वही रास्ते में खा लेना कुछ ना कुछ उल्टा फ्रूट खाता था ज्यादातर तो तो एक कॉपी तो लेके जाए कर उनको क्या पता मैं कौन सी क्लासे लगा रहा हूँ बाहर खेल रहा था तो बस चेंज किए कपड़े सीधा अकेडमी अकेडमी में की एक डेढ़ घंटा प्रैक्टिस सीधा आगे घर खाया और सो गए बस बस ये टाइम टेबल था और सिंपल टाइम टेबल और कुछ नहीं था उस टाइम पे उस पीरियड में

तो वहाँ से क्या है एक मेरा थोड़ा नाम भी हुआ था कि भाई एक जम्मू का बॉलर है और मैंक सर ने एक दो जगह बात भी की थी कि मतलब एक बॉलर है इसे आप एक बार देखो कि अगर मतलब एक होता है ना एक प्रेफरेंस दी कि एक बार इसे देखो क्योंकि देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा है कि नहीं तो मैंने के के भी ट्रायल दिए थे उस दौरान और मुझे मैंने दिल्ली के ट्रायल दिए थे तो मतलब तीन टीम के मैंने ट्रायल दे दिए थे उस टाइम उस दौरान तो मतलब मेरा अच्छा ही हुआ था के केके आर के ट्राइल्स ट्रायल्स वगैरह मेरे अच्छे हुए टचवुट तो दिल्ली में क्या था जिस दिन मेरा दिल्ली का कैंप था उस दिन मेरा के का कैंप था दोनों सेम कैंप थे तो मैंने दिल्ली का कैंप स्किप करके के में चला गया था रात दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी मुंबई तो मुंबई में कैंप था उसका के का तो वहाँ पर दिया वहाँ भी अच्छा ही गया मेरा कैंप उस उस दिन क्या हुआ मैंने न्यूज स्पाइक्स लिए हुए थे तो मैं फील्डिंग कर रहा था मेरा पाँव मुड़ गया वहाँ पे अब मेरा पाँव मुड़ गया हाँ के के आर में हाँ के के आर के कैम्प में तो मैंने सोचा यार अब इतनी दूर से आया हूँ एंकल पकड़ के बैठ जाऊँगा तो फ़ायदा तो है नहीं थोड़ी सी दर्द जेल लेता हूँ चार ओवरी तो डालने तो मैं फिजियो के पास गया वहाँ पर उनके मैंने सर एंकल को टेप कर दो टाइट एकदम जिससे एंकल थोड़ी हिले नहीं मेरी मेरे को बड़ी पेन होती बस टेप लगवाई और अंदर आया और अपने चार ओवर डाले अच्छे से एकदम तेज़ बॉल और अच्छे लेंथ में तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी कि इसको लग मतलब के के में यही चीज़ उनको शायद स... अभिषेक सर नायर सर हैं जो और चंदू सर हैं उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि इस... इसको लगी फिर भी ये टेप लगा के बॉल डालने हैं लंगड़ा लंगड़ा के भी बॉल डाल रहा है तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी मेरे अंदर शायद से तो जब मेरा ऑप्शन आया था तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि होगा नहीं मैंने बोला यार चल कोई बीस लाख में भी ले ले चलेगा बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी मतलब बीडिंग वॉर हो जाएगी मेरे लिए कहाँ तक गई थी आपकी बीडिंग मेरी सिक्सटी लाख तक गई थी आर सी बी और के के आर ने दोनों ने उम्मीद नहीं थी मैं तो जब मेरा ऑप्शन था जिस दिन उस दिन तो मैं प्रैक्टिस करके अकेडमी से बाहर गया था मैं मेरे मतलब छोटे ही हैं मेरे ज्यादातर फ्रेंड छोटे ही हैं मेरी एज से बड़ों के साथ इतना नहीं मैं घूमता बट छोटों के साथ मेरी अच्छी बनती है मेरे जो अकेडमी के बच्चे थे तो हम तीन चार थे हम बाहर गए रेस्टोरेंट में खाने कुछ तो हम वहाँ पे खा रहे थे कुछ तो मेरे को कॉल मेरा को लगा मेरा नंबर लेट है तो लेट आएगा तो कॉल पे कॉल आने लगे मेरे हाथ हाथ भरे हुए खा रहा हूँ खा रहा तो मेरे बोला यार कौन कौन कॉल कर रहा है इतने नंबर अन्य नंबर से कॉल आने लगे जिनका नंबर भी सेव नहीं था मेरे पास क्योंकि टेनिस वाला हूँ ना टेनिस वालों के पूरे जम मैं टेनिस क्रिकेट खेलता हूँ मेरा नंबर पूरे जम्मू के पास होगा क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट हो कोई शर्त खेलनी होगी बुलाई कोई ना कोई बुला लेता तो ऐसे लोग ही फ़ोन कर रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं तो फिर मेरे को अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आया तो मैंने बोलते कहाँ पे है? जल्दी ग्राउंड में आ तो पीछे मतलब मेरे को शूटिंग वगैरह सुनाई दी मैंने यार क्या हुआ तो फिर एक और कॉल आया मेरे भैया का अंकुश भैया है वो तो मैंने कॉल उठाया वो बोलते यार तेरा हो गया आर में हो गया तो मेरे को नहीं पता था मेरा सिक्सटी लेके वो है जैसे ही घर गया तो मेरे को तो उसके बाद में बताया कि मतलब सब खुश तो से घर वाले घर वालों की खुशी देख के तो मैं बोल हाँ। गया यार चल मेरा सपना सफल हो गया बाकी अब मेरा आगे काम है और मेहनत करना उन्होंने रोका टाकी नहीं करी उसके बाद की पढ़ी नहीं उससे पहले तो ये था ऑब्वियसली घर वालों को टेंशन तो होती है कि उनका बेटा हर कोई चाहता कि पढ़े आगे कुछ अच्छा करे लाइफ में अब कोई ये तो नहीं चाहेगा कि पूरे दिन बाहर खेलता रहे तो पेरेंट्स भी अपनी जगह सही रहते हैं पेरेंट्स ही हमारा बुरा थोड़ी चाहते हैं पेरेंट्स तो सही चाहते हैं तो बट वो था कि अब उन्हें ये भी नहीं बताता था कि मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है जो आप चाहते हो वो मेरे पापा चाहते भी 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 नहीं, नहीं।, नहीं कभी नहीं बोला मैं बोलता हाँ, हाँ मैं कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ उनको पता था कि ग्रेजुएशन कर रहा है तो आपके मार्क्स नहीं बोलते थे अरे कॉलेज के तो कभी पता नहीं चले स्कूल के तो फिर वो स्कूल बुला लेते पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कॉलेज में तो कोई नहीं बुलाता कॉलेज में किसी को नहीं पता कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं बस घर पर ये बोलता हाँ मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया और फर्स्ट के चार तीन पास थे एक उड़ गया था और मेरे दोस्त सारे चारों के चारों फेल मैं अगले चोड़ में उनके सामने मैंने बोला भाई तीन पास हो गए इजी है ग्रेजुएशन तो आराम से हो जाएगी सेकंड से अगर चलता है चारों फेल <laughs> तो फिर मैं समझा भाई ये ग्रेजुएशन अपने काम की तो नहीं है तो फिर भी बट कॉलेज जाता रहा खेलने जाता था मैं क्योंकि सब जानते थे मेरे को कॉलेज में कॉले तो मतलब मेरा काम था बस कॉलेज जाना और खेलना क्लास कोई नहीं लगानी तो टेनिस वाले यार दोस्त तो काफ़ी खुश हो गए होंगे फिर हाँ दोस्त पूरा जम्मू ही दोस्त सारे टेनिस वाले अपने खेले हुए हैं सारे तो सब खुश थे पूरा मतलब मेरे घर के बाद इतना माहौल था ग्राउंड है जब आपको बताया ना इतने लोग आए हुए थे वहाँ तो मतलब मैं वो देख के खुशी हुई कि यार सही है सब अपने आए हुए हैं तो वो चीज़ भी अच्छी थी ठीक है फिर जब भाई आर सी बी के टीम में पिक होने के बाद जब आप वहाँ पे गए वो कैसा मोमेंट था आपके लिए वो तो अलग ही मोवमेंट था जब मेरा पहले दिन मेन कैंप लगा था हमारा मैं पहले दिन वहाँ गया तो कुछ कुछ प्लेयर आए थे अभी हम फर्स्ट डे गए थे मैं था और एक नया हिमांशु शर्मा है वो राजस्थान से जो हुए थे पिक वो आए थे और जो नए प्लेयर हम पिक हुए थे वो हम एक दो दिन पहले आ गए थे तो अच्छा। हम दो दिन वहीं पे थे हमारे प्रैक्टिस नहीं थी दो दिन तो तीसरे दिन जब प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए तो मिल जब उनसे मैं होटल में मिलता मैं बुलाता नहीं था मैं दूर से देखता यार ये वो प्लेयर है ये वो प्लेयर है तो मैं बुलाता नहीं था पहला मेरा ऐसा था तो उसके बाद जब पहली बार मैंने विराट भी मेरे को इतना आया कि विराट भी आए हैं तो उनका चल रहा था शूट हमारे वेस्टर्न में बेंगलोर में हमारा स्टे था तो मैंने जब उनको दूर से ही देखा ना यार मतलब बस अंदर से सोच रहा भगवान आपने कहाँ मेरे को भेज दिया मतलब बिना कुछ सोचे समझे ना ऐसे बस उनको देखे जा रहा हूँ और वो इंटरव्यू अपना वहाँ पे ऐड चल रहा है शूट हो रहा है तो जैसे ही वो खड़े हुए और मेरा ये भी नहीं था कि उनके पास जाके उनको हाय बोलूँ दूर से ही देखे जा रहा हूँ दूर से ही देखे जा रहा हूँ तो वो फैफ सर आए थे तब तो हर्षल भी आए थे तो सब पहली बार सबको ऐसे तो टी में तो देखते ही थे बट सामने देखा तो अच्छी फीलिंग्स थी बहुत अच्छी फीलिंग थी उस टाइम का मतलब क्या बताऊँ आप तो अब आर सी भी ऑल ऑब्वियसली विराट भैया की बात तो होती है तो उनसे फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुई फर्स्ट इंटरेक्शन तो यही है प्रैक्टिस में जब हमारा हुआ था पहले तो ड्रेसिंग रूम में आए हम सब वहाँ चेंज वगैरह करते हैं तो मेरा यहाँ पे था तो उनका मतलब मेरे सामने ही था अपना बैग वहाँ पे रखते थे हम तो उनकी किट सामने पड़ी थी जब मैंने पढ़ा विराट भैया तो मैंने सामने वाले एकदम सोफे पे अपना बैग रख दिया मतलब भैया को सामने से देखूंगा तो बैठे भैया आए हैं ग्रिप वैर चेंज कर रहे हैं सबसे मिले हमसे तो हाथ हूथ मिलाया भैया ने तो मतलब अच्छा लगा उस टाइम यार मैं भैया के साथ मतलब सबका ड्रीम कितने लोगों का ड्रीम है उनसे मिलना उनके साथ और रहा मतलब रहा मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि मैं तब सोचता कि हाँ भाई मेरी मेहनत अब सफल हुई है तो यहाँ पर फिर मैं सोचता कि अब मैं और मेहनत करूँ इससे बस और और आगे जाना है फिर मैंने पीछे वाला छोड़ दिया अब जो भी था कि हाँ मेहनत तो पहले भी की है बट अब उसे डबल करनी है क्योंकि आगे खेलना सब में उन्नीस बीस का ही फर्क होता है ज़्यादा नहीं होता है बट वहाँ फ़र्क वहाँ होता है जो ज़्यादा मेहनत करता है वही आगे जाता है तो मैंने सोच लिया था कि बस अब मेहनत करूँगा भाई करो आगे जरूर चांस मिलेगा आपको बस तो आर सी में डेब्यू हुआ आपका नहीं डेब्यू नहीं हुआ एक्चुअली क्या था चार दिन ही हुए थे कैंप लगे हुए तो हम कर रहे थे फील्डिंग सेशन कर रहे थे अपना तो लो बॉल आया एक्साइटेड भी था कैच कुछ फील्डिंग सेशन अच्छा कर रहा था पहली बार लेदर बॉल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतना सही था सब कुछ अच्छा चल रहा था तो एक लो बॉल आया मतलब कोई और होता वो तो पकड़ता ही नहीं मैं मैंने पता नहीं क्या सोच के डाइव मारा कैच भी पकड़ लिया जैसे ही रोटेट हुआ सीधा अपने कंधे के ऊपर गिर गया तो डिसलोकेट हो गया हाँ डिसलोकेट हुआ था और साथ में मसल मतलब तब तो पता नहीं था टर वियर क्या होता है मुझे टेनिस वाले को क्या पता है क्या मसल <laughs> टीयर कौन सी इंजरी कुछ नहीं पता मैं उठा और मैंने बॉल पकड़ के थ्रो भी मारी और जब मैंने थ्रो मारी मेरे को फील हुआ कि मेरा ये लटक रहा है नीचे तो मैंने उनको बताया नहीं तो एक और कैच फेंका उन्होंने मैंने कैच पकड़ा और मैं से थ्रो नहीं फेंकी मतलब मैंने ऐसे नीचे से बोलते तेज़ थ्रो कर उन्होंने बोला सर ने मान लो सर फील्डिंग कराते तो फिर मैंने बोला सर मैं गिरा हूँ मेरे को लगी है और उससे पहले मेरी एंकल की आपको मैंने बताया था ना आ, वो एंकल की दिक्कत तब भी चल रही थी वो उसी टाइम ठीक हुई थी मेरी कैंप में आने से पहले थोड़ी देर पहले तो उन्होंने मेरे को बोला तू जा फिजियो को दिखा तो फिजियो को दिखाया वो सीधा मेरे को वहाँ से एम आर आई कराने लगे तो एम आर आई कराया तो उन्होंने इवन सर थे इवन स्पेश सर है वो साउथ अफ्रीका के फिजियो हमारे तो उन्होंने बोला कोई इतना दिक्कत नहीं है ठीक है मतलब स्वेलिंग वगैरह है थोड़ा हो जाएगा ठीक तो मेरे भी बोला चल यार सही है ज़्यादा नहीं हुआ तो बट बॉल डालते डालते मेरे को फील होता था कि मेरा शोल्डर बाहर निकल रहा है जॉइंट्स और वापस फिक्स हो रहा है तब तो मेरे को समझ आई प्रॉब्लम तो बड़ी है बट वहाँ पे कोई चारा ही नहीं था मेरे पास नहीं। बॉल नहीं डालने के बिना वहाँ बोल भी नहीं सकते थे तो मैंने बात की जब उनसे कि उन्होंने बोला कि बॉल तो डालनी पड़ेगी ऑब्वियसली सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं बाहर बैठ के जब देखता था अंदर मैच खेल रहे थे तो मतलब मैं वहाँ ग्राउंड में बैठ के एक दिन रोया तो माइक हैसन सर है वो मेरे पास आए क्या हुआ तो मैंने बोला सर मतलब बुरा लग रहा है बस कि मैं अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ टीम को बाहर बैठा हूँ वैसे इंजर्ड होके मतलब अभी स्टार्टिंग के डेज में इंजर्ड हो गया बोलते कोई बात नहीं जब तेरा टाइम आएगा तो अपना कर लेना मैंने बोला ठीक है बस वेट किया तो बस शोल्डर टेप की टाइट मैंने फिजियो को बोला टाइट टेप कर देना शोल्डर और मैं पेन किलर उनको बिना बताए वो खाता था मैंने अपने सर से पूछा था उन्होंने बोला ये पेन किलर ले ले तो बॉल डाला कर उन्होंने मेरे को मना किया था कि पेन किलर मत ले हम यही सजेस्ट करेंगे तो मैंने बोला हाँ सर मैं नहीं लेता मैंने किसी को भी नहीं बताया मैं पेन किलर लेता है तो टाइट कर दिया एकदम फिक्स अच्छे से ताकि मेरा शोल्डर हिले नहीं मैं अपना मूवमेंट मतलब इतना सा मूवमेंट नहीं होता था मेरा तो इसको फिक्स करके बस बॉल डाला पूरे सीजन पेन किलर एक डेढ़ महीना तो पूरा पेन किलर खा के बॉल डाला किसी को नहीं पता था मतलब कितना प्रॉब्लम चल रहा है कितना नहीं पता था कि इंजरी है छोटी मोटी उनको लगता है छोटी मोटी है तो बॉल बस पूरा सीजन ऐसे ही इंजरी में बॉल डालते डालते निकल गया ठीक है बट अंदर ही अंदर दर्द होती रही वो मतलब मैं पहली बॉल फेंकता था ना मेरे अंदर से मैं रो था बाहर से तो दिखाता नहीं था बट अंदर से रोड़ता इतना पेन होता था मेरे को इंजरी तो यार है एक बहुत खतरनाक चीज़ है हाँ तो विराट भैया वगैरह को बॉल डालने का चांस मिला नहीं हाँ विराट भैया को भी मतलब पहली बार जब इनको बॉल डाली <laughs> तो मतलब अलग ही फीलिंग थी कि वो कहाँ था टेनिस बॉल से कहाँ खेल रहा था तो आज सीधा इनको बॉल डाल रहा हूँ अच्छा तो भाई आर सी बी आर सी बी में किसी सीनियर प्लेयर वगैरह से आपकी इंटरेक्शन हुई हाँ इंटरेक्शन तो ज़्यादा सीनियर प्लेयर जो थे मैंने सिराज भैया और हर्षल भैया थे इंडियन प्लेयर जो ज़्यादा उन उन्हीं से मतलब मेरा ज़्यादा बात होती थी नेट्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे और बताते रहते थे तो ग्राउंड से बाहर भी मतलब सिराज भैया के साथ थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छे से मतलब समझाते रहते थे कि भाई तो यहाँ आया मेहनत करके आगे और अच्छा कर मैं तो ये चाहता हूँ तो वो इंडिया तक खेले तो मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते थे वो तो हर्षल भी अभी मतलब कुछ भी पूछना हो बोलते कभी भी पूछ ले भाई तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मतलब

तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आई मतलब टांगे भी नहीं चल रही थी उस टाइम मेरी कि मैंने सोच घर से तो यही सोचा था कि यार कभी मिलेंगे यार चांस मिले बट ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल क्रिकेट के बाद जब टेनिस खेलते हैं घर पे तो देखते थे उनको मैच में तो मैं सोचा यार इनसे मिलना है इनके पाँव पकड़ूंगा बस एक बार बट वहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया क्या रिएक्ट करूँ तो जब वो ऊपर गए तो मैं पीछे पीछे चला गया उनके तो वो ड्रेसिंग रूम में थे तो पैड वगैरह उतार रहे थे मैं बाहर से उनको देख रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि वो बाहर है तब तो मतलब उनको आइस शायद से आईपीएल में नी की थोड़ी सी थी उनको दिक्कत तब वो आइसिंग कर रहे थे वहाँ बैठ के टेबल में मेरे सामने बैठे हुए थे तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि भैया के पास जाऊँ तो मैं वहीं पे बैठा रहा तो जैसे सिद्धार्थ भी है सिद्धार्थ कहल भी है तो वो आए वो उनके पास बात करने के तो मैं भी धीरे धीरे उनके साथ चला गया बात करने तो फिर उन्होंने बात की कि ये अविनाशा बोलते हैं हाँ मेरे को पता ही है जो टेनिस बॉल डालता था बोलते हुए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बैठ जा यहाँ पे उन्होंने उनको बोला बैठ यहाँ पे सर तो उनके साथ बैठा तो ऐसे कंधे में उन्होंने हाथ रखा था तब तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसे था थक तो मैं इतने पंद्रह मिनट तक ऐसे हाथ था उनको और मैं थक गया तो था और मेरा मन भी नहीं करता उनको बोला भैया थक गया बस बैठा हो पंद्रह मिनट वो हाथ रख रखे हाँ और वो पूछ रहे थे कि फिर उन्होंने समझाया कि तू यहाँ पे आया है और मेहनत कर अच्छे से ये मौका सबको नहीं मिलता तेरे को मिला है इसको और अच्छे से करना है बस सीरियस रहना बस अपने क्रिकेट को लेकर तो बस उनसे ये बात हुई मेरी तो फिर उसके बाद सब आ गए तो फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई तो मैंने फोटो क्लिक कराई उसमें भैया की आंखें बंद आ गई तो मैं बाहर गया मैंने देखा यार मेरे फोटो अच्छा नहीं आया क्योंकि था उनके साथ तो मतलब फ़ोटो अपलोड करना ही है इंस्टाग्राम पे मेरे को जो मर्जी अपनी फीड में मेरी फोटो क्लिक की थी राजन भाई ने राजन चौधरी वो उत्तराखंड से खेलता है तो उसके साथ डील हुई थी कि तू मेरी फोटो खींचना मैं तेरी खींच दूंगा भाई अच्छी फोटो तो भाई उसने मेरी फोटो खींच भी कहा तो मैं वो ड्रेसिंग रूम में चले गए थे वो जडेजा भाई वो भी अंदर थे तो मैंने बाहर से देखा कि यार फोटो तो क्लिक करानी है जो मर्जी हो तो अनुज रावत गया अंदर तो मैं उनके से पीछे पीछे चला गया तो वो बात कर रहे थे तो वो साइन ले रहे थे ग्लव्स पे तो मैंने बोला भैया फोटो क्लिक करानी थी बोलते तूने अभी तो खिंचाई मतलब भैया आंखें बंद होगी तो जड्डू बोलते जड्डू भाई को बोलते जड्डू मेरा बैट देना इसे वो बताओ तो फिर मैं बोलते मजाक बैट दे दे हाँ बोलते जड्डू मेरा बैट देना इधर तो ऐसे बोला भाई तो फिर बोलते आजा आजा इधर आजा फिर को ऐसे मतलब बैठे मेरे साथ तो फोटो क्लिक कराई तो खड़े हो के फिर एक खड़े हो होके बोलते अब ठीक है मैंने हाँ भैया अब ठीक है बोलते देख ले अच्छे से एक बार तो मैंने देखी तो अच्छी थी मतलब भैया अच्छी है तो फिर बस मैं बाहर चले गया मैंने भाई मतलब सपना सपने सब सप ऐसे ऐसे करके पूरे और देख क्या बताओ सेम बताते भाई जब मैं टू थाउजेंड एटीन में जब मैं दिल्ली डे डबल्स में था पहली बार मान पा ने मेरे को माई भाई से मिलवाया मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई मेरे पैर कांप रहे लिटरली बट मुंह में शब्द नहीं आ रहे कि बोलूँ क्या मैं ये हो जाता है उनका हो रहा ही ऐसा वो मेन पॉजिटिव है वो सच में लैजेंट है मतलब क्रिकेट के तो मैं तो वो ये ना घर से ही देखता था और जब सामने आया तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ क्या इनको बस ये गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर निकला उस टाइम मतलब गुड इवनिंग सर बस ये बोला मैंने और मैं बोलू मेरे को क्या हो गया फिर मैं उनके पीछे पीछे चल गया तो मतलब वो चीज़ काफ़ी सही थी और उन्होंने इतने अच्छे से बात की वो तो मैं पहले से जानते भी थे तुम्हारा नाम

इंडिया टीम भी है उनको सबको पता होता है सबका जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी है या कोई आ रहे न पता होता है वही मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था मेरे ला यार, हाँ। इनको पता है मेरे बारे में ये कैसे हो सकता है नहीं, तो, नहीं, नहीं। थोड़ा अच्छी फीलिंग भी थी यार कि उनके साथ मिल लिए बहुत बड़ी बात थी वो तो मेरे लिए तो भाई ये आई के बाद फिर उसके बाद जब आप जम्मू वापस गए स्टेट टीम में आपको चांस मिला हाँ देखो सबसे पहली बात जब आई खत्म हुआ था ना मैं जिस दिन घर गया हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं वापस दिल्ली चला गया था ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि मुझे पता था मेरे को दिक्कत है और मेरे को स्टेट मैचेज आने से पहले ही ठीक करनी है तो क्या हुआ मैं कैरोपेटर के पास गया था वहाँ पे तो उसने अलाइनमेंट किया मेरे को उसने जो भी करते हैं वो तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे को चेंजेस दिख रहे हैं अभी भी शोल्डर में एक बार आप एमआरआई आर करा लो तो जब एमआरआई आर आई उसमें पता चला कि भाई टेयर है दो उस टाइम दो टीयर थे मुझे तो उन्होंने बोला कि और उस टाइम मैंने किसी से बात भी नहीं की कि क्या करूँ किसी सीनियर से बात भी नहीं की उस टाइम मैंने तो क्योंकि मेरे अंदर था कि जल्दी जल्दी ठीक होना है बस जो मेरे को कोई बोल रहा था यहाँ तो ठीक होगा मैं उधर चल जा रहा था बिना कुछ मतलब सर्च के हुए कुछ भी तो मैं उसने बोला कि पीआरपी पी करेंगे एक डॉक्टर का उन्होंने नंबर दिया बोला इनसे मिल लो तो मैं दिल्ली में उनसे मिला उन्होंने मेरे को पीआरपी सजेस्ट किया बोलते पीआरपी करा लो यहाँ सर्जरी होगी तो यहाँ तो इसको नेचुरली हील होने दो वो उसमें टाइम लग जाएगा एक साल तक तो मैंने बोला सर इतना टाइम तो नहीं है तो बोलते कि पीआरपी करके देख तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया मेरे को बीस दिन में एक इंजेक्शन लगता है पीआरपी आर पी का तो जैसे ही उसने तो और मेरे साथ में फिजियोथेरेपी कर रहा था उस टाइम तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब बॉल डालो तो अब ठीक हो जाएगा शैसे तो मैंने जैसे ही बॉल डालने का वापस वो पेन आ गया तो मेरे को समझ नहीं आया और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उस टाइम कि दो दो ढाई महीने हो गए थे बॉल भी नहीं डाला था मैंने तो फिर मैं वापस फिर मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात की थी आरसीबी की मैनेजमेंट से तो उन्होंने मेरे को दीपक भाटिया करके मुंबई डॉक्टर है उनके पास भेजा तो उन्होंने मेरे को बोला कि कॉटीजोन लगेंगे मैंने बोला ले भाई तीन इंजेक्शन अभी लगे दो इंजेक्शन और लगेंगे वो दो इंजेक्शन मेरे को तब लग गए तो उन्होंने बोला रीहैप कंटिन्यू रखो एक डेढ़ महीने में बॉल डाल लोगे बस एक फिर मैं चंडीगढ़ गया रीहैप के लिए चंडीगढ़ किया एक डेढ़ महीने रीहैप जैसे ही बॉल रिटर्न टू प्ले आया वापस से वो पेन और उसके बाद तो फिर मैंने सोच लिया ले भाई अविनाश अब तो तेरा करियर खत्म है अभी स्टार्ट ही हुआ था तो अभी खत्म हो गया तो मतलब उधर मेरा थोड़ा सा कि अंदर से होप थोड़ी होती ना कि लूज़ हो रही थी मतलब यार छोड़ यार तो फिर बट मैंने नहीं यार अब जितना हो सकता है तो अब उतना तो करना ही है जहाँ इतना मही वेस्ट किया है मुश्ताकली आ ही गया था उसके दस पंद्रह दिन बाद मुश्ताकली था जब मैं चंडीगढ़ से घर जा रहा था मैं लाला कोई बात नहीं अब निकलने दो पूरा सीज़न अपने आप को फिट करना है पहले तो फिर उसके बाद मैं बेंगलोर मैंने हर्षल भैया से बात की हर्षल पटेल भैया से उनसे बात की और अब्दुल समद भाई समझ भाई से बात की तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आशीष कोशी के बैंगलोर बेंगलोर में उनके पास जा उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस ठीक करके भेजे तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने असेसमेंट किया और तो एक महीना हो गया था मैं मगवान रिहा करते और चेंजेस खुद में दिख रहे थे कि हाँ नहीं भाई इंप्रूवमेंट हो रही है तो धीरे धीरे टर्न टू प्ले बॉलिंग उन्होंने स्टार्ट कराई ये वो तो बस धीरे धीरे करके वापस पेन फ्री हो गया तो अब वापस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए फिर जब मुझसे मिला चांस हाँ हा। नहीं चांस कहाँ वो तब तक तो पूरा सीजन निकल ही गया था और, इस, और इसलिए मैंने ऑप्शन में भी रजिस्टर नहीं कराया इस बार इतना फ्रस्ट्रेट था मैंने ला छोड़ अब एक साल अपना मेहनत करूंगा नेक्स्ट बार बढ़िया आपके लिए तो यार गेट्स खुले ही हैं जब इतना अच्छा डाल रहे हो और

ये फेवरेट स्ट्रीट फूड हमारे जम्मू में कलाडी कुलचा कलाड़ी कलाड़ी तो हाँ? एक जगह है पत्नी टॉप करके मतलब वहाँ पे पहाड़ है एकदम शांत एरिया है तो मेरा जब भी मन करता है मैं वहाँ जाके जरूर टाइम स्पेंड करता हूँ अपना ठीक है योर मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स मेरे पापा और बोलिंग एंड पावर प्ले और वैसे तो जब मर्जी तो यार क्या ही बोल सकते डेथ तो में मजा आता है में। नहीं कि बस आपको बचाना है रन की तरफ। तो पावर प्ले में है थोड़ा बैट्समैन डिफेंसिव होकर में है कि उसने तो, मारा तो क्या है? मेरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अविनाश भाई आप जल्दी ठीक रहें और जल्दी इंडिया खेलें और आई में बढ़िया करें जी भाई विशेज़ आर विद यू थैंक यू सो मच आई होप यार इस एपिसोड से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेहनत करते रहो आपको हमेशा उसका फल मिलेगा जैसे आप अविनाश भाई को ही देख लो टेनिस बॉल से क्रिकेट थे खेलते थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आईपीएल की टीम में सिलेक्ट होंगे वो मेहनत करते रहे और आरसीबी ने उन्हें ज़रूर चांस दिया